ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार सुबह से लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना हो रही है और कई लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दौसा की बात करें तो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा यहां जीतते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा के कन्हैया लाल चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा के भागीरथ चौधरी ने जीत दर्ज की है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के राम चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार आपको ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं। वहीं करौली और धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के भजन लला जाटव जीते हैं। वहीं अगर बात करें तो भाजपा की इंदु देवी जाटव को हार का सामना करना पड़ा है। ये चुनाव परिणाम आपको बता रहे हैं। झालावाड़ लोकसभा सीट से भाजपा से दुष्यंत सिंह जीतते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया हार चुकी है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल जीत चुके हैं। साथ ही बता दें कि कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम आपको बता रहे हैं, लगातार मतगणना जारी है। वहीं चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सीपी जोशी चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। साथ ही कांग्रेस के उदयलाल आंजना को हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है लगातार आपको बता रहे हैं। जालौर सिरोही सीट की बात कर ले तो भाजपा के लूंबाराम चौधरी ने जीत दर्ज की है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के वैभव गहलोत को यहां हार का सामना करना पड़ा है।